बेटे अबे बेटा मौज कर दे अबे बेटा बहुत तेज हो रहा है। मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं दीपक और स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से मेरे इस नए वीडियो जिसका नाम है डीवाई ब्लॉग। अभी हो चुका है 10:30 हो चुकी है और काफी लेट हो चुके हैं बिकॉज मेरे को वापस भी आना टाइम से। एंड सोच रहे हो कि मैं ये शिकारी बन के कहाँ घूम रहा हूँ, बट आपको बता देता हूँ क्योंकि आज है 11 मार्च और आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले तो सबको महाशिवरात्रि की ओर से ढेर सारी बधाई और आपकी जितनी भी फ्यूचर ड्रीम्स है आई विश कि आप जल्दी अचीव कर पाओ। बॉर्डर रख चुके हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक धारा की लोकेशन जहाँ से हम पूरा पानी वगैरह भरते हैं। जब भी पानी नहीं आता तो हम पानी वहीं से। होप आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा पाऊंगा क्योंकि जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसका नाम है अष्टवक्रा टेम्पल। अष्टवक्रा टेम्पल जो कि यहाँ से आई थिंक खोला गाँव से होकर आई थिंक मुझे लग जाएगा 23 मिनट का यहाँ से जर्नी दिखा रहा है। 23 मिनट कहने का ले है तो 23 मिनट से 30 मिनट भी हो सकता है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से नीचे एक है ओरिजिनल सोर्स है पानी का जहाँ पे ताज़ा पानी आता है और आपको ग्राउंड वाटर और कहते हैं आपको स्ट्रीम का वाटर मिलता है तो काफ़ी ताज़ा पानी होता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उस लोकेशन में नीचे जहाँ से मैं भरने वाला हूँ पानी चढ़ाने के लिए। तो टाइम पे कैलमिटी के बाद 7 फरवरी की कैलमिटी के बाद जब पानी बंद हो गया था ना तो सबके सब पानी लेने के लिए इसी सोर्स में लेके आए थे। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है अगर आप यहाँ पे रहते हो श्रीनगर में और आपके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है तो यू कैन कम हियर। फाइनली हम भर चुके हैं पानी और अब निकलते हैं यहाँ से भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेके सीधे ऊपर की ओर। तो अभी सबसे पहले तो ना आपको जो चीज़ समझनी चाहिए कि असली मज़ा तो वहीं है जहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगे, मेहनत लगे। और फूल देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे थे बट नीचे गिर गए, बंदरों की मेहरबानी है। आप देख सकते हो ऊपर देख सकते हो। अभी भर चुके पानी और अब निकलना है इस ओर ऊपर की डायरेक्शन में। तो thank you.
गाइस फाइनली भी मैं हूँ रतुड़ा। ये है आपका बुगानी रोड, काफ़ी अच्छी रोड है। मतलब यार क्या बोलूँ इस रोड के बारे में। और पीछे तो देखो यार नज़ारा, ये है पूरा मेरा श्रीनगर शहर, चौराहा शहर। और यहाँ से आपका खिड़सू भी अच्छी लोकेशन में है, खिड़सू और यहाँ से देवलगढ़, दो पॉइंट ऑफ यहाँ से रतुड़ा बैंड से आपको कनेक्ट हो जाते हैं। बट अभी क्योंकि मैं जा रहा हूँ आपका अष्टवक्रा, और अष्टवक्रा आपका खोला गाँव से है, तो खोला गाँव के लिए थोड़ा सा मुझे रूट का कन्फर्म करना पड़ेगा। और बाकी अभी मैं मेरे ठीक पीछे, अभी आप देख रहे हो ठीक पीछे अभी है ये चौरास, ये है चौरास, ये है श्रीनगर, और फिर इधर है आपका श्रीकोट। सबसे खास बात, मेरे पीछे जो आप बंदे देख रहे हो ना, तो आज है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि में इन्होंने क्या करे कुछ लाए होंगे माल ताल। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग बैठे हैं जो कि पूरे नज़ारे का मजा ले रहे हैं। तो आज भाई थोड़ा सा कैमरे पे देख के जरा हाई कर लो जरा। हेलो, सो ये हमारे वैसे फ्रेंड हुए हैं श्रीकोट, और ये सबसे पहले आप देख रहे हो बुगानी रोड 13 किलोमीटर है जो कि यहाँ पे ख़त्म होगी। उसके बाद खिड़सू, और खिड़सू 27 किलोमीटर है यहाँ से, और चौबटा खाल 29 किलोमीटर। अब आपको दिखाता हूँ इसके बैक एंड साइड से। ऊपर आप देख सकते हो उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। तो और अगर आप आ रहे हो वापस खिड़सू से श्रीनगर की तरफ, तो श्रीनगर आपका यहाँ से 4 किलोमीटर है, धारी देवी पीछे की ओर है नेशनल हाईवे 58 में 20 किलोमीटर में, और उसके बाद देवप्रयाग जो कि यहाँ से सीधे इस डायरेक्शन में है, यहाँ से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहाँ खड़ा हूँ। तो दिस इज अ खोला विलेज जहाँ से मैं आप सीधे ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट करूँगा। सामने आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज गेट, जहाँ मैं आपको अभी लेके जाने वाला हूँ। तो वो है एंट्री पॉइंट और वो है एग्जिट पॉइंट जहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आई डोंट नो कितना किलोमीटर है, आई थिंक 2-3 किलोमीटर तो होगा, या 2-3 किलोमीटर नहीं तो 1-2 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और आई थिंक गाँव से होते हुए जाना पड़ेगा हमें। आपको याद होगा ये बिच्छू घास के बारे में पता होगा आपको। तो बिच्छू घास अगर आपको थोड़ा सा भी लग जाए ना, तो आपको उतना ही दर्द होता है जितना मधुमक्खी के काटने में होता है। तो ये हमारी गढ़वाल की सबसे बढ़िया पौधा है। सो गाइस फाइनली अब हम आ गए खोला गांव में, और मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हो कि ये मैं अभी चढ़ रहा हूँ खोला गांव के लिए। और काफ़ी तो जितना एक्सपेक्ट किया था वैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया, तो भीड़ बहुत है। अभी देखने से लग रहा है कि इतने लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या ना, ये काफ़ी अकेली जगह है, तो एवरीबडी वॉन्ट अ सॉलिटरी प्लेस। और आई थिंक जो मैंने यूट्यूब पे देखा था उसमें इधर के लिए जाना है, तो चल लेते हैं। तो कम आने में क्या जा रहा है, वैसे भी कौन सा कोई मुझे कुछ बोलने वाला है। भैया इस साइड है ना ये, हाँ, बस यूं ही। कितने दूर है यहाँ से? अभी तो लगे सर ये 15-20 मिनट। सो हालांकि अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ से 15-20 मिनट। अब देखते हैं ये मेरे चलने के ऊपर है। आपको क्या लग रहा है, मेरी सांस फूल रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा फूल रही है, लो का रिएक्शन ऐसे है। कुछ है, कुछ है नहीं है, कुछ आइए तो चलिए देखते हैं ये रास्ता आगे कहाँ जा रहा है, इस रास्ते को देखते हैं। आई थिंक दिखने से तो यही लग रहा है। पहले मैं सोचा ये झंडा झंडा यहाँ दिख रहा है वो यही टेम्पल है, बट अब समझ में आ रहा है भीड़ वहाँ से आ रही है, उस एरिया से भीड़ आ रही है, इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देख सकते हो कितने बांस लगे हुए गांव में, इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पुराने मकान है जो कि पत्थर और मिट्टी से बनाए हुए हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि थोड़ा ट्रैक करने को मिल जाता है, वरना आप सीधे जाओ मंदिर में शूट करो, ब्लॉग शूट करने का फिर उतना मज़ा नहीं आता है। आपको ये ठीक पीछे दिख रहे होंगे ना, एक्चुअली हमारे यहाँ पे इसको गाँव में गढ़वाली में बोलते हैं परकुंडा, और इससे साथ मेरी बहुत बैड हिस्ट्री है। छोटे में जब मैं एक शादी में गया था तो पटाखे वगैरह जला रहे थे, छोटे थे हम, पटाखे वगैरह जला रहे थे, अचानक से पटाखे की एक चिंगारी सीधे लग गई परखुंडे में, और भाई साहब उसके बाद जो परखुंडे में आग पकड़ी है ना, वहाँ सब लोग नाच रहे हैं और हम भाग्य ऊपर डर के माने, और परखुंडे में आग, जितने भी लोग नाच रहे थे वो परखुंडे में चढ़े हुए आग बुझाने के लिए। तो ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, जब भी नल का पानी वेस्ट ना हो तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा है तालाब, ताकि कोई भी जब पक्षी वगैरह आए उसको प्यास लगे या जानवर वगैरह आए तो आराम से पानी पी सके यहाँ से। तो ये यहाँ पे बहुत बढ़िया कुंड इन्होंने बना रखा है,
और अगर आप ट्रैक करते हुए मेरी तरह इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो या थक चुके हो तो यहाँ पे बैठने के लिए आपको आराम से लोकेशन मिल जाए। वो जो जा रहे हैं इनको मैंने हायर तो नहीं किया बट ये मुझे सही डायरेक्शन बता देगी, तो क्यों ना इनको फॉलो करते रहो। वैसे लड़की को भी फॉलो नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसे मामले में जब आप पहली बार जा रहे हो जिस ट्रैक में तो वहाँ पे इनको फॉलो कर लो। लोग छाता लेके आ रखे, मैं अपना कैमरा लेके आ रखा हूँ। ये जो जा रही है इसी के ठीक पीछे चलो, ये सही जा रही होगी। अगर इस बीच कोई जंगली जानवर आ जाए ना तो अब उनका कॉम्पिटिशन ये है कि मुझे इसे तेज भागना है। ओके यार इधर हद हो गई, वहां से भी शॉर्टकट था, मैं इतना लॉन्ग कट लेके आ गया लड़की के चक्कर में। ये लो इतना शॉर्टकट, मैं आ रहा हूं तो लॉन्ग कट होके। यार जब आपकी फिटनेस छूट जाए ना कुछ दिनों के लिए और उसके बाद अचानक से कोई आपको चढ़ाई चढ़वा दे या चढ़ाई आपको चढ़नी पड़े ठीक ऊपर स्टीप स्लोप में, तो भैया बेटर है कि ज़्यादा हैवी खा के मत आना, नहीं तो प्रेशर बनने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि ये गांव है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूछने वाला नहीं है कोई, इट्स अ वर्स्ट केस ऑफ सिचुएशन। तो अभी देख सकते हो यार कितना ऊपर सीधी चढ़ाई है और इधर तो देखो धूप, बैटरी बची हुई है केवल 40% और अभी मंदिर भी नहीं पहुँचे, तो बेटर है कि ज़्यादा ज़्यादा स्पीड में निकला जाए। पर सबसे फनी बात क्या है ना, जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी मेकअप होत के आई, उनको लगा कि यहीं पे तो जाना है जैसे मुझे लगा, और अब उनकी आफत आ रही होगी, मेकअप उतर गया होगा पूरा पे, जबकि बॉडी में जबकि बॉडी बहुत चल जाए धूप में तो आपकी चांसेस है कि डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में आपके पास ना पानी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बेटा कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा ऐसा आई थिंक पहला व्लॉग होगा जो मैं जैसे जैसे करना चाहता था वैसे ही कर रहा हूँ शूट, और अभी भी चढ़ाई है थोड़ा बहुत, बट आई थिंक हम थोड़ा बहुत ऊपर आ गए। नीचे आप ठीक दे सकते हो वो है गांव, खोला गांव, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से ऊपर। तो भैया फर्स्ट टाइम आ रहे हो, गलती से भी ज़्यादा मेकअप पोत लेना और थोड़ा बहुत फिटनेस करके आना। पर एक चीज़ है, जब आप पहुँच जाते हो ना टॉप में तो आपको सेंस ऑफ रिलीफ जो मिलता है उसमें वो कमाल का होता है। वो है ओह ये है पीपल का पेड़, और रात को कहते हैं बल्स के नीचे नहीं सोया जाता, ज़्यादातर जो आत्माएँ प्रेत आत्माएँ होती वो यहीं निवास करती है। सुबह जब भी लगते हो कुछ लोग बैठे हैं यहाँ और इधर हो रहा है डांस, इससे पहले कॉपीराइट है, मैं थोड़ा ऊपर निकल जाता हूँ। जब देख रहे हो यहाँ से ऊपर अभी भी ट्रैक बाकी है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा स्पीड में निकलते हैं नहीं तो बैटरी डाउन हो जाएगी और तब तो यहाँ आना फिर बेकार हो जाएगा। गाँव के ठीक पीछे जो आपको गांव दिखाई देगा ना वो मेरे दादी का माइक है जिसका नाम है चढ़ी गांव। तो इधर की तरफ ठीक पीछे नीचे की तरफ है श्रीनगर, और इधर की ठीक पीछे है मेरी दादी का माइक है जो है चढ़ी गांव। बचपन में काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। सो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर अष्टवक्रा मंदिर में। तो गाइस ये है मंदिर के अंदर का एनवायरनमेंट, और देख सकते हो कि मैंने जो सोचा था कि भीड़ नहीं होगी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ये प्लेस हाई एल्टीट्यूड में है और इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और अब हम भी करते हैं तैयारी। तो अपने स्कूल टाइम की मुझे एक दोस्त की याद आती है कि जब भी एग्ज़ाम होता था ना तो एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम डेट होती थी उस दिन वो एक काम करता था, लोटा लेके दूध लेके चढ़ाने जाता था। तो आज मैं वही कर लेता हूँ, मेरा तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप उधर जाए अपने ब्यूट को, डबल टोन है फुल क्रीम नहीं है।
गाइस आपको सामने जो अभी रोड दिखाई दे रही है दैट्स अ सुमाड़ी, वो सुमाड़ी की रोड है। और ये आप देख सकते हो कि जंगल में आग लगाई हुई है ताकि नई घसी बट्टी बजी बहुत ज़्यादा फैल जाती है गांव में। और सामने आपको जो गांव अभी दिखाई दे रहा होगा तो डेट्स माई दादी माई के जो चढ़ी उसका नाम है चढ़ी गाँव, तो सामने जो गाँव दिखाई दे रहा है उसका नाम है चढ़ी गाँव। और उसका नाम जो सामने नीचे आपको गाँव दिखाई दे रहा है वो है आपका बचेली। और इस सामने गाँव में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पौड़ी, तो यहाँ से आप फाइनली हो गए मंदिर के दर्शन और अब हम जा रहे हैं वापस। इससे पहले कि वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस माय एनी फ्यूचर कमिंग वीडियोस। और ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहूँ। और अब हम चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस नीचे की ओर। और हेलो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी वाइल्ड ब्लॉग्स। ओके सो दोस्तों, अब चलते हैं वापस। और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट दी बेल आइकन सो दैट मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूँ अच्छी अच्छी, और हर एक वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके आते रहूँ ताकि आप इंजॉय कर पाओ और आप पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को भी इंजॉय करो और हमारे खूबसूरत मंदिरों को भी इंजॉय करो। अगर आप एक धार्मिक इंसान हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और अगर आप धार्मिक इंसान नहीं भी हो तब भी आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप एक ट्रैवल लवर हो, अगर आप बहुत ट्रैवलर हो, अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी परफेक्ट प्लेस फॉर यू। और काफ़ी टॉप में है तो आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। पहाड़ों की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चढ़ना काफ़ी टफ है बट उतरना तो आप आराम से उतर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से। बस उतरते समय आपको ये ध्यान देना है कि पत्थर वगैरह में आपका पैर फंसे ना, नहीं तो आप मुँह के बल गिरोगे। तो रास्ता काफ़ी स्लोप है नीचे की ओर, और अब आप निकल रहे हैं वापस। सो इफ़ यू आर न्यू इन माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स ऑफ माई फ्यूचर कमिंग वीडियोज़। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको इतना प्यारा सीनैरियो भी देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट रहता है। और अभी नीचे हम चलते हैं जहाँ पे कुछ लोगों के शूट्स को हम कैरी करते हैं, अभी हम फन करेंगे पूरी पहाड़ी स्टाइल में। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। हो गया। सो गाइस इफ यू आर ना खोला विलेज तो आपको टार्जन बनने का मौका मिलता है यहाँ पे, और ये प्राकृतिक है, आपको कोई गिरने का डर नहीं है। अदरवाइज अगर आप हाथ ना छोड़े जैसे इन्होंने छोड़ा, ठीक है ये करके रखना है। हाँ। और इस तरह से आगे आना है, ये वापस आना है, ठीक है लीजिए।